नमस्कार, इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम के जरिए हम ऐसे व्यक्तित्व से आपका परिचय कराते हैं जिन्होंने समाज को कोई ना कोई योगदान दिया हो, समाज को नई दिशा दी हो या समाज के निर्माण में कोई रुचि रखते हो। हम ऐसे ही एक शख्स से आपका आज परिचय कराएंगे जिन्होंने काफी कम उम्र में ही संगीत, कला, लेखन, ये तीनों विधाएं मिलाकर समाज और पर्यावरण के रक्षा के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। तो आइए हम मिलते हैं ऐसे ही एक युवा प्रतिभा सुनीता कुमारी से। सुनीता जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इतनी कम उम्र में पर्यावरण संरक्षण, समाज के सुधार जैसी गंभीर विषयों पर काम करने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, जब मैं बहुत छोटी सी थी तब से मुझे संगीत में रुचि जगा। मेरे पिताजी के साथ मैं संगीत करती थी। धीरे धीरे मुझे लगा कि मुझे संगीत ही करना चाहिए और मैं संगीत ही कर रही हूँ। तो मैं सोचती हूँ क्यों ना मैं कुछ नया करूँ, कुछ अलग करूँ जो मतलब समाज के बारे में हो, पर्यावरण के बारे में हो, इस देश के बारे में हो। मैंने सोचा कि कुछ अलग किया जाए ताकि इसमें समाज को कुछ लाभ मिले, देश को कुछ लाभ मिले। ये सोच करके मैंने ये भी जो गाना बनाई हूँ, धन धन नदियाँ नदी विशेष से, ये मैंने सोचा कि क्यों ना नदी के बारे में गाना बनाया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए कि नदी कितना अनमोल है, कितना महत्वपूर्ण है। सुनीता जी, आप दर्शकों को बताइए कि आपकी शिक्षा और संगीत शिक्षा कहाँ तक हुई है? सर, मैं अभी ग्वालियर यूनिवर्सिटी राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय में संगीत की शिक्षा ले रही हूँ। किन किन रागों पे का अध्ययन किया है और उन पे आप साधना कर रही हैं? सर, बहुत सारे राग हैं, उनमें से राग भोपाली, राग यमन, राग भैरव, काफी मालकोस, बहुत सारे राग हैं। तो मैंने इसमें से जो भोपाली राग है और मालकोस राग है उसमें मैंने गाना का गीत भी लिखना शुरू किया। गीत मतलब लिख करके पास कर लिया, भाषा में गीत लिखा है और इन रागों में सुर दिया है। लोक गीत लिख रहे हैं जी। मैं अपने क्षेत्र की डिग्री क्षेत्र में जो पांच प्रकार भाषा है उस भाषा में मैंने लोक गीत लिखा है। मेरा मतलब है कि लोक गीत को आप शास्त्रीय संगीत पे सुर दे रहे हैं। जी, मैंने प्रयास किया है वो सुर देने का। तो सुनीता जी, ऐसा अभी तक धारणा है, ऐसा माना जाता है कि झारखंड की लोक कलाओं में, लोक गीतों में शास्त्रीय संगीत का बहुत ज्यादा योगदान नहीं है, नहीं के बराबर है। शास्त्रीय संगीतों को लोक गीतों में समाहित करना, जोड़ना, ये तो बहुत कठिन काम है। तो ये आप कैसे कैसे कर रहे हैं? सर, मैंने ये प्रयास किया है राग में क्षेत्रीय संगीत को एक समावेश करना, समाहित किया है। अच्छा, तो क्या आपने ऐसा कोई प्रयोग किया है अभी तक? जी सर, मैंने राग भोपाली में एक गाना लिखा है, उसमें हमरे के झारखंड के बाद इसे से क्षेत्रीय भाषा में ही है, उसमें मैंने भोपाली राग में सुर दिया है। और दूसरा गाना जो है धन धन नदियाँ, उस गाना को मैंने मालकोस राग में सुर दिया है। दर्शकों को ये मुखड़ा सुना दें कि क्या आपने लिखा है। धन धन नदियाँ, स्वर्ण रेखा नदियाँ, रारु कांची शंख कोयल राउरी सभी की नदियाँ। धन धन नदियाँ, स्वर्ण रेखा नदियाँ, रारु कांची शंख कोयल राउरी सभी की नदियाँ। धनी बचावा सदा नरा बचावा, धनी बचावा सदा नरा बचावा, मन की बड़ी सुनी लेकाले बचावा। आपके लक्ष्य क्या है और आप अपने करियर को कहाँ तक ले जाना चाहती हैं? सर, मैं संगीत में बहुत ज़्यादा रुचि रखती हूँ, तो मैं चाहूँगी कि संगीत में ही अपना करियर बनाऊँ और मैं एक सफल सिंगर बनना चाहती हूँ। अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने समाज के लोगों को एक संदेश देना चाहती हूँ कि संगीत के माध्यम से भी हम कुछ कर सकते हैं। सुनीता जी, आपने बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी,
आपको इस कार्यक्रम में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आपकी जानकारी से हमारे दर्शकों को बहुत प्रेरणा मिलेगी और उम्मीद है कि यह लोगों के काम आएगा। जी धन्यवाद।